हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी जिससे पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने किसी पीसी के डॉक्यूमेंट्स को आप मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को अपने सीपीयू से यानी कि यूएसबी के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेना है। फिर कनेक्ट करने के बाद आपको आपके मोबाइल पे एक मैसेज टाइप का आएगा, उसमें तीन तीन मैसेज होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन से होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे में वैसा मोबाइल में मेरे मैसेज आ गया है वैसा। तो जैसे ही आप यूएसबी से कनेक्ट कीजिएगा तो ऐसे ही आपके मैसेज आएंगे। उसमें तीन ऑप्शन आएंगे, चार दिस फोन, ट्रांसफ़र फाइल्स और ट्रांसफ़र इमेजेस। तो आपको ट्रांसफ़र फाइल्स पे जाना है। तो जैसे आप ट्रांसफ़र फाइल्स पे जाइएगा तो आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम पीसी में देखते हैं कि अब कनेक्ट करने के बाद हम कैसे किसी फाइल्स को मोबाइल में डालना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल का नेम यहाँ पे शोन होने लगा है, यानी कि मेरा मोबाइल इस पीसी से कनेक्ट हो चुका है अच्छे तरीके से। तो आपको ये करने के बाद आपको वो फाइल्स चुननी है जो आपको अपने मोबाइल पर डालनी है। जैसे कि हम कोई पिक्चर्स ले लेते हैं, तो जैसे कि मुझे इस पिक्चर्स को डालना है, मेरे चैनल के लोगों को मुझे अपने मोबाइल में डालना है। तो उसके लिए आपको उस पिक्चर, वीडियो, डॉक्यूमेंट जो भी हो उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। और यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे सेंड टू का ऑप्शन आएगा, सेंड टू। आप जैसे ही इस पर पॉइंटर ले जाएंगे अपना, तो आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसे ऑप्शन हो जाएंगे। आपको यहाँ पे सैमसंग J2 का यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल में अब ये मेरे मोबाइल में इमेज ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं कैसे। तो दोस्तों आप जैसे ही ट्रांसफ़र कर लीजिएगा तो आपको अपनी गैलरी खोलनी है सिंपल। और जैसे आप गैलरी खोलिएगा तो यहाँ पे खोलते ही आपको टॉप पे मिल जाएगी वो फ़ोटो जो मैंने पीसी से अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र की थी। देख सकते हैं ये वही फ़ोटो जो मैंने अपने पीसी से मोबाइल में ट्रांसफ़र की थी। तो दोस्तों आप इसी तरह अपने कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट्स आप पीसी के थ्रू मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है।